हेलो एवरी वन हाउ आर यू स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस डेफिनेट आर्टिकल द मेक्स नाउन स्पेसिफिक क्या बना देता है उसको विशेष बना देता है पर्टिकुलर बना देता है इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं बच्चों अगर हम द की बात करें तो द रिवर्स के नाम के पहले आता है द गंगा द नाइल, द अमेजन तो ये नदी है ना अमेजन नदी भी ओशियंस के नाम के आगे लगता है बच्चों समुंदर जितने भी समुंदर हैं उनके नाम के आगे लगता है और कोई नेचुरल थिंग जो विशेष है जैसे द सन द रेन द विंड इन से भी पहले क्या लगता है बच्चों द लगता है नाउ अस डिस्कस डेफिनेट आर्टिकल द इन डिटेल हैज द टीचर कम यट द टीचर कोई बच्चा अपनी क्लास के टीचर के बारे में पूछ रहा है मीन्स जब एक ही एग्जाम्पल हो और गिवन सिचुएशन में हो जैसे आप किसी अपनी हिंदी की मैडम को या इंग्लिश की मैडम को पूछ ले रहे हो और उनका पीरियड है तो गिवन सिचुएशन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम द का प्रयोग करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल के बारे में पूछना है तो भी हम एक, एक सिचुएशन है ना इसमें एक विशेष परिस्थिति है तो हम द का प्रयोग करेंगे बच्चों द प्रिंसिपल इज ऑन लीव जो यूज्ड बिफोर नाउंस ऑफ व्हिच देयर इज ओनली वन एग्जांपल हम द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी करते हैं जैसे मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास द बेस्ट ही इज द टैलस्ट बॉय ऑफ क्लास डिग्री से पहले Before बिल्डिंग्स टू मेक them स्पेसिफिक For example, the State Bank of India, the Taj Mahal, the Red Fort. Before singular noun to represent of things. Just say the monkey is clever means all monkeys are clever. The donkey is lazy means all donkeys are lazy. द बफेलो इज ऑफ ब्लैक कलर मीन्स ऑल ब फैलोज आर ऑफ ब्लैक कलर बिफोर पर्टिकुलर थिंग और पर्सन किसी विशेष चीज़ या पर्सन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू द बोए हु इज सिटिंग ऑन द बेंच आई एम टॉकिंग टू द बोए हु इज सिटिंग ऑन द बेंच एक पर्टिकुलर बेंच है वही बेंच है और उस पर एक लड़का बैठा है उससे बात कर रही हूँ तो बिफोर पर्टिकुलर थिंग और पर्सन हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं बिफोर फर्स्ट सेकेंड ये पोजिशन है या ओनली के साथ द ओनली द ओनली बॉय हु रीच्ड हुयर तो हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन इन द फर्स्ट लाइन द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द सेकेंड बेंच तो हम फर्स्ट सेकेंड और ओनली से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं बिफोर प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हम द का प्रयोग करते हैं द यू ए ई बिफोर स्पेशल मील्स आई टेक डिनर बट आर यू अटेंडिंग द डिनर बींग गिवन बाय आरती आई टेक डिनर बट आर यू अटेंडिंग द डिनर बींग गिवन बाय आरती तो स्पेशल मील जो आरती ने दी मीन्स कोई भी अगर स्पेशल मील है तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल का उसके साथ यूज़ करते हैं बच्चों ये लिस्ट है कुछ नाउंस की जिनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जैसे माउंटेन्स का अगर पर्वतों का नाम हो तो हम लगाते हैं उनके नाम से पहले नदियों का नाम हो रिवर्स का नाम हो तो भी उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ओशियंस अगर हैं द इंडियन ओशियन द एंट्रक्टिक ओशियन के आगे इस तरह से हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं आइलैंड अगर हो, द अंडेमान द वेस्ट इंडीज तो हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हॉली बुक्स हो न्यूज़पेपर्स का नाम हो मैगजीन्स का नाम हो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो हिस्टोरिकल इवेंट हो हिस्ट्री में द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हम डेफिनेट आर्टिकल पहले लगाएंगे ट्रेन्स का नाम हो शिप्स का नाम हो प्लेन्स का नाम हो द अशोक द विक्रांत द शताब्दी एक्सप्रेस तो भी हम इनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं ये एक्सरसाइज है बच्चों दस फिलअप हैं इसमें चलो अस डू इन ऑस्ट्रिया फर्स्ट है द पीपल स्पीक जर्मन जर्मन इज अ लैंग्वेज सो किसी भी लैंग्वेज के आगे नहीं आता तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा डैश इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज ये भी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है तो आर्टिकल नहीं आएगा डैश इंग्लिश हैव बीन अ सी फेयरिंग पीपल फॉर मैनी कंट्रीज़ यहाँ पे लोगों के बारे में बात हो रही है तो पहले द लग जाएगा कैन यू स्पीक ओनली लैंग्वेज आएगी कोई भी आप लिख सकते हो कैन यू स्पीक हिंदी कैन यू स्पीक इंग्लिश द नहीं आएगा कोई भी आर्टिकल इसमें साथ में नहीं आएगा डैश इटालियंस आर अ वेरी म्यूजिकल नेशन अब ये प्लूरल में बात हो रही है कंट्रीज की नेशंस की तो हम द लगाएंगे मैनी ग्रेट शिप्स और ये पीपल भी हो सकते हैं मैनी ग्रेट शिप्स क्रॉस एटलांटिक ओशियन ओशियन के नाम से पहले बताया था the, the aiga definite the article dash india is very large country in dash asia asia is a continent so yahapit the aiga or yah article we arranged to meet outside the woolsworth it's a building his uncle is a manager of the uh, overseas bank in his, in this town He came for an hour, but stayed all the evening. बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहां पर नहीं आएंगे आर्टिकल्स बिफोर मैन एंड वुमेन वेल यूज इन जेनरल सेंस सभी के लिए जय होन जय मैन इज मोर्टल वुमेन इज वीकर मैन इज मोर्टल तो आर्टिकल नहीं आएगा बिफोर प्रॉपर नाउन ए पी जे अब्दुल कलाम वॉज अग्रे साइंटिस्ट यहां पर आर्टिकल आएगा बिकॉज क्योंकि बताया था मैंने पहले भी कि एट्रीब्यूट देने के लिए स्पेशल एट्रीब्यूट देने के लिए हम लगाते हैं क्वालिटीज बताने के लिए ए पी जे अब्दुल कलाम ये प्रॉपर नाउ है इससे पहले नहीं आएगा बिफोर कलेक्टेड नाउ एग्जांपल सोसाइटी मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कोरोना वायरस स्टूडेंट शुड स्टडी एट होम ये स्टूडेंट्स नहीं आएगा स्टूडेंट्स आएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को घर पे ही पढ़ना चाहिए इस एडवर्स टाइम में बिफोर एबस्ट्रेक्ट नाउन दे व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस Honesty is the best, best policy के साथ भी हम किसका प्रयोग नहीं करते Article का प्रयोग नहीं करते When preposition followed by noun For example you must finish the work in time In the time नहीं है in time है because time is followed by preposition Before languages किसी भी भाषा कोई भी भाषा है तो भी हम उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते किसी सिंगल कंट्री के आगे भी हम नहीं, नहीं लगाते फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे यूएसए है और चाइना है इंडिया है लगा लो इंडिया एक सिंगल कंट्री है तो द इंडिया नहीं लगाएंगे द इंडिया लगाना गलत है द यू एस ए लगाना है जो कंट्रीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज से मिलकर बने हैं उनके आगे द आएगा सिंगल कंट्री के आगे द का प्रयोग नहीं होता थैंक यू बच्चों स्टे हैप्पी ऑलवेज If you like my videos, then like, share, and subscribe. Press the bell icon too.